अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद फुरखान, हुसामी न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं ये खबर। रियासत तेलंगाना में मौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले दो तीन से शदीद बारिश की वजह से रियासत के जिला वारंगल बहुत मुतासिर हुआ है। बारिश का पानी रोड्स पर और घरों में घुसकर सैलाब की शक्ल अख्तियार कर गया है। रियासत में हाई अलर्ट और रिलीफ कैंप को कायम किया गया। वजीर आला KCR ने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और सरकारी अफसरान को इमदादी कामों को जारी रखने की हिदायत दी। सैलाब की वजह से कई घर में पानी में डूब गए हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं। इन संगीन हालात में SIO और JIH वारंगल की जानिब से 1000 से ज्यादा मुतासिर अफराद में गजा के पैकेट्स तकसीम किए गए। ग्रेटर वारंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बड़ी मेहनत से रात दिन आवाम की जान की हिफाजत में लगे हैं। बताया गया है कि अब तक 9000 से ज्यादा अफराद को मुतासिरा इलाकों से बचा लिया गया है। मैं अब्दुल खादर, हुसामी न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की खबरें हुसामी न्यूज़ लाता रहेगा।